दिल्ली रे कोरोना स्थिति को नहीं अलर्ट रे सरकार आज विभाग अधिकारी और मंत्री सहित बैठक कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गत 15 दिन में दिल्ली में मोट 295 केस चिन्हट होती एवं सुधा आक्टिव केस 900 ऊपर रही तीनी जनकर मृत्यु होइतबार सूचना मिली। कोरोना टीका नेइतबा लोकमाने मध्य एही भूताणु रे आक्रांत होउछंती। दिल्लीर विभिन्न हॉस्पिटल रे आइसोलेशन वार्ड ओ मेडिकल टीम प्रस्तुत करी रखा जाइछि। लोकमानकु सतर्क करबा पई दिल्ली रे स्वतंत्र कैंपेन आरंभ करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। सबडे कोरोना केस बढ़ुतबा बळे अधिकांश गुरुतर हेउ नहंती बोली मेदांत हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद कुमार कहिछंती। हेले समस्त सतर्क रहबा आवश्यक। एबे टेस्टिंग बढ़ुतबारु आक्रांतक संख्या बढ़ुची। कोरोना द्वितीय लहर श्वासनाली इन्फेक्शन होता हेले एथर भाइरस सेत क्षतिकारक होना बोली डाक्टर अरविंद कहते। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केस आते हैं, बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद ये अंडर के जो मंथ्स होते हैं, इन मंथ्स में प्रायः सभी वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और उसमें ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो शुरू शुरू में तो हम यही मान रहे थे कि ये सब फ्लू है और उसमें वो H3N2 का नाम लिया जा रहा था कि वो वाला वायरस है जो इस बार फ्लू लाइक सिम्टम्स कर रहा है, जिसमें फीवर काफ़ी जोर का था और खांसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और खांसी काफ़ी दिनों तक परसिस्ट कर रही थी।